अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका नाम है चिकन ग्रिल्ड विंग्स। तो पसंद आ रही हैं वीडियोस तो ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ, यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर, कसूरी मेथी, टिक्का पाउडर और ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर। यहाँ मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 लेमन और काली मिर्च। तो दूसरी साइड पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने चिकन को सिरके वाले पानी में डिप करके 10 मिनट फिर इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून सिरका, काला सिरका, सोया सॉस। अब हम अपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1.5 चम्मच और 2 लेमन जो है हम उसको बीच के बगैर अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। इसमें स्क्वीज़ करने के बाद हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, सब कुछ ऐड कर देंगे। जस्ट कसूरी मेथी हम 10 मिनट के गैप से ऐड करेंगे कि जो हमने पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा, ये जो खुश्क धनिया जो है, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर मैंने आपको ये जो मैं डाल रही हूँ बताया, इसको मैंने तवे पर भून के तो कंटेनर में सेव किया हुआ है, मोटा दड़दड़ा सा पीस के। मैंने आपको पहले भी बताया था आगे आ रही हैं विंटर, फ़िश वगैरह हम बनाएंगे तो ये फ़िश में भी और बारबेक्यू में किसी भी किस्म के आप ग्रिल पीस बना रहे हैं घर में, कोई फ्राई पीस भी आप बना रहे हैं ना, स्मोकी पीस, तो काइंडली उसमें ये 1 टेबल स्पून ज़रूर ऐड किया कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब 10 मिनट हमने गैप देने के बाद मैंने मसल कर कसूरी मेथी ऐड कर दी थी अच्छे से हाथों से और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऑयल का ऐड करेंगे। उससे काफ़ी टेंडर चिकन बनता है, जूसी बनता है, सॉफ्ट बनता है और लुक भी बहुत अच्छी आ जाती है जब हम बारबेक्यू करें या ग्रिल करें चिकन को, तो वो बहुत अच्छी लुक देता है। यहाँ मैंने फ्रिज में ढक कर रख दिया था दो से तीन घंटे के लिए। तो अब हम इसको 70-80% कुक करेंगे कि अच्छे से चिकन कुक हो जाए, लेग हो या विंग्स हो। कोशिश किया कीजिए कि डायरेक्ट उसको बारबेक्यू या आप ग्रिल ना किया करें, पहले 50% या 80% आप कुक कर लिया करें। इससे ना कच्चापन नहीं आता और खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जी। तो मैंने 2 सिप्पाने डाल के, ऑयल हमारा पहले से ऐड था, मैंने इनको कुक कर लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ मैंने अपनी बेकिंग डिश में बटर के अंदर अनियन रिंग्स को कैरमलाइज कर लिया, साथ हमने थोड़ी सी कैबेज ली है। दूसरी साइड पर हमने अपने कोयले फुल रेड कर लेने हैं और मैंने बारबेक्यू ग्रिलर पर अपने विंग्स सेट कर ली हैं और टोमेटो रिंग्स ऐड कर ली हैं। तो नीचे हमने एक पैन में अपने फुल रेड जो कोयले थे वो ऐड कर लिए हैं और ब्रश की मदद से मैं अपने विंग्स को अच्छे से ऑयलिंग कर रही हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे कुक हो रहे थे। ये देखें कि आपने कोयले फुल कुक रखने हैं कि उसके सेक से आपके विंग्स फुल कुक हों, ये देख रहे हैं आप जैसा कि मैं कर रही हूँ जी। तो ये नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे हमारे जी, यहाँ पे 20 मिनट्स के बाद हमारे 80-95% विंग्स हमारी कुक हो गई थी, यहाँ हमारे डन है। बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत अच्छा टेक्सचर था, बहुत अच्छा टेस्ट था। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, रेसिपीज़ ट्राई करें, मेरी वीडियोस को वॉच करें, एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। कोई ना कोई जो इंग्रेडिएंट है हम लास्ट में भी ऐड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।